किसान को धान, कपास, तुअर आदि अनाज का उत्पादन बड़े पैमाने पर हो, साथ ही आधुनिक तकनीकी से वह खेती करे, इसके लिए वरोरा तहसील में कृषि संजीवनी सप्ताह मनाया गया। क्या विशेषताएं रही इस प्रदर्शनी में, जानते हैं इस खबर में। जाति और धर्म के नाम पर एक दूसरे के प्रति फैलाए जा रहे जहर के कारण अब इंसानियत खत्म होने के कगार पर है, ऐसा कथन एडवोकेट भूपेश पाटिल द्वारा किताब प्रकाशन तथा गुणवंत छात्रों के सत्कार एवं कवि सम्मेलन के दौरान किया गया। वामन राव स्मृति प्रतिष्ठान, दाई जंगो रायताड़, गोंडियन बहुद्देशीय संस्था तथा आफरोट तालुका शाखा चिमूर के संयुक्त तत्वधान से पंचायत समिति चिमूर के राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज सभागृह में कवि प्रकाश कोड़ापे द्वारा रचित काव्य संग्रह संघर्ष का प्रकाशन तथा प्रावीण्य प्राप्त छात्रों का सत्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस मौके पर एडवोकेट भूपेश पाटिल ने उपस्थित श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण परिसर में साहित्य आंदोलन चलाना काफी मुश्किल है। ग्रामीण विभाग में जिस तरह की मुश्किलें आती है, वह आने वाले पीढ़ियों को समझाने के लिए कवियों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। इस मौके पर प्रावीण्य प्राप्त छात्रों का सत्कार मान्यवरों के हाथों किया गया। चिमूर से बालू सातपुती की रिपोर्ट।